नमस्कार दोस्तों, मौशमिस कुकिंग डन पर आप सबका स्वागत है। फेस्टिवल का सीजन है तो मिठाई तो जरूर बनता है, इसीलिए आज मैं आपके साथ एलो जेलो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एलो जेलो को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैं एक चुटकी नमक और एक टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी के बदले आप रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। हमें अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलो जेलो को खस्ता और कुरमुरा बनाने के लिए हमें मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम मैदे का एक डो तैयार करेंगे। हम मैदे पर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी हमारा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। डो ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इस डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। इधर हम इतने में चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम शक्कर, पानी और एक चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अब गैस में एक बर्तन पर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे और शक्कर और इलायची पाउडर भी डाल देंगे। शक्कर मेल्ट होने तक हमें इन्हें उबालना है। चाशनी को हमें 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। यहाँ पे हम ज्यादा घना चाशनी नहीं बनाएंगे। चाशनी को हम मीडियम से हाई फ्लेम पर उबालेंगे। हमारा चाशनी रेडी है। ठंडा होने पर यह चाशनी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इधर हम मैदे को देख लेते हैं। मैदा सेट हो चुका है। मैदे को हम और थोड़ा सा मसल लेंगे। अभी हम मैदे का छोटे छोटे लुइया बना लेंगे। तो दोस्तों, जब तक मैं लुइया बना रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी दबा ले, ताकि मेरे हर एक नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। लुइयों को हम अपने हाथों की मदद से राउंड शेप का बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह हमने लुइयों को रेडी कर लिया है। अभी हमें इन्हें मीडियम साइज के पूरी की तरह बेल लेना है। हमें पूरी को पतला बेलना है। अब हम इसे काट लेंगे। दोनों साइड से हमें आधा सेंटीमीटर छोड़ के काटना है। इस तरह से हमें इसे काटना है। अब हम इसे किनारे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से इसे आधा आधा फोल्ड करना है और इस तरह इसे जोड़ लेना है। इस तरह हम बाकी के एलो जेलो को भी बना लेंगे। अभी हमें इन्हें फ्राई करना है। एक कढ़ाई में हमने सादा तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके एलो जेलो को गर्म तेल पर डालेंगे। हमें एलो जेलो के दोनों साइड को अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करते हुए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। हमारा एलो जेलो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यानी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इन्हें एक प्लेट पे ले लेंगे। इसी तरह हम बाकी के एलो जेलो को भी फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हमें चाशनी में देना है। देखिए, चाशनी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा घना हो गया है। अभी हम एक एक करके एलो जेलो को चाशनी में डालेंगे। हमें सारे एलो जेलो को एक साथ चाशनी पे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही चाशनी में डालना है, ताकि चाशनी एलो जेलो के अंदर अच्छे से जा सके। चाशनी पर इन्हें ज्यादा देर तक डुबो के नहीं रखना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमें चाशनी से निकाल लेना है। तो देखिए, हमारा एलो जेलो तैयार है। आप इसे किसी भी त्योहारों पर आसानी से घर पर बना सकते हैं। मीठा पसंद करने वालों को ये बहुत पसंद आएगा।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।